आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ है, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। मैंने सुना है कि शमशेर के घर वालों ने खुलाका कहे। तुम उसकी फिक्र ना करो, मेरे घर वाले हैं ना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। रूम नंबर 4 है तुझे, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है। तुमने मुझे गोली मारी, मैं तो मरने वाला था, लेकिन किस्मत से मैं बच गया। कभी तुमने सोचा है कि मैंने तुमसे बदला क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं मरना चाहता था, जो मेरी मर्जी थी वही हो रहा था। तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं बच गया, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूं, और महक मेरी जिंदगी है। अगर तुम मेरे और मेरी जिंदगी के दरमियान आने की कोशिश करोगे, तो ऐसी जगह गोली मारूंगा जहां बचने का कोई चांस नहीं होगा। मैं अब तुमसे डरता नहीं हूं। गलत, तुम उससे नहीं डरते जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर चुका, लेकिन तुम्हें उससे डरना चाहिए जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर सकता। तुमने मैरिज से जबरदस्ती निकाल दिया, जबरदस्ती रखा हुआ तुमने उसको अपने पास, और तुम्हें क्या लगता है ताया पर चंद पैसे खर्च करके तुमने महक को खरीद लिया? ठीक है, तुम मेरी बात ही समझ रहे। मैंने किसी को नहीं खरीदा, महक ने मुझे खरीदी। मैं तो हुई उसका, वो भी मेरी है, इसलिए तुम्हें अब महक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहो। तुम भी एक बात याद रखो, बचपन से जानता हूं मैं महक को, उदासी है उसके चेहरे पर, खुश नहीं वो तुम्हारे साथ। और जो बात तुम मुझे कह रहे हो ना, अगर एक बार महक यही बात कह देना, दोबारा बात नहीं करूंगा मैं उससे। वो तुमसे कहे या ना कहे, मैं तुमसे कह रहा हूं और तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। मुझे जो ठीक लगेगा वही मैं करूंगा। आजकल मुझ पे शराफत का भूत सवार हुआ है, वरना तुम्हारे बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी बात को ना कह सके। आखिरी बार बोलने के अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।